हेलो दोस्तों आप सभी कैसे हैं मैं सुनील पंजापती रेडियंट हिस्ट्री में स्वागत है बात करते हैं बहुत सारे एग्जाम हैं अभी और मैं आपके लिए एक साइंस का जनरल साइंस का बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लाया हूं जो मैंने पहले से लिख दिया है जिससे टाइम का बचत हो तो ये है दूरी मापने के कुछ मात्रक हैं उसको हमने आज यहाँ लिया हुआ है ये आपका एक तरह से जो है जनरल साइंस का पार्ट वन है और जितने भी आपके जनरल साइंस से रिलेटेड जितने भी आपके जितने क्वेश्चन बनेंगे वो सब सारी चीज़ें जो है हम उसको भी कवर करेंगे ठीक है तो उसको हम सब सारी चीज़ें कवर करने के साथ साथ हमने आज पहला टॉपिक जो है दूरी मापने के कुछ मात्रक लिए हुए हैं जैसे हमने तेरह पॉइंटों को दर्शाया हुआ है एक एक करके उसको पढ़ेंगे समझेंगे जानेंगे कि क्या चीज़ किसका मात्रक क्या है और उस चीज़ को किस में मापते हैं ठीक है थी? पहला हमने लिया है एक पार्सिक ठीक है पहले इस चीज़ को आप जान लीजिए किसका मात्रक कितने में हम क्या नापते हैं उसके बाद हम एक ही करके क्लियर करेंगे पार्सिक क्या होता है प्रकाश वर्ष क्या होता है खगोली मात्रक क्या होता है माइक्रोन क्या होता है मेडिकल मिल क्या होता है इंग्लिश तो मतलब एक एक चीज़ें हम करके उस चीज़ को डिफाइन करेंगे तो पहले उन सब सारी चीज़ों को आप जान लें उसके जानने के बाद एक एक चीज़ें सब सारी चीज़ें हम उस चीज़ को डिफाइन करेंगे ठीक है तो पहला है एक पार्शिक एक पार्सिक में जो है हमारा कितना मीटर मापते हैं तीन गुड़े दस के घाते सिक्सटीन अर्थात थ्री गुड़े टेन टू द पावर सिक्सटीन मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में जो है नाइन पॉइंट फोर सिक्स गुड़े टेन टू द पावर फिफ्टीन मीटर होता है एक खगोली मात्रक में जो है एक दसमलव चार नौ छः गुड़े दस के घाते ग्यारह मीटर होता है एक बाइक में दस के घाते माइनस चार मीटर होता है एक नाटिकल मिल में आपका एक दशमलव आठ पाँच दो किलोमीटर ठीक है एक एंगस्टॉन में दस के घाते माइनस दस मीटर होता है एक फर्मी दस के घाते माइनस पंद्रह मीटर ठीक है अब बात करते हैं एंगस्टॉन की न्यूटन आठवां पॉइंट है एक न्यूटन में क्या होता है दस के घाते पाँच टाइन होता है एक जूल दस के घाते सात अर्ग होता है एक कैलोरी में चार दशमलव एक आठ जूल होता है ठीक है एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट जो है आपका एक दसमलव एक छः गोड़े दस के घाते उन्नीस जूल होता है एक किलो कैलोरी में दस के घाते तीन कैलोरी होता है और एक वाट घंटा में छत्तीस सौ जूल होता है ठीक है गाई? तो इस तरह के हम जनरल साइंस के क्वेश्चन को हम पॉइंटों को लेके चलेंगे जो एग्ज़ाम के भी आपसे बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं और उन सब सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे ठीक है तो आज हमारा पहला पॉइंट था दूरी मापने के मात्रक जो हमने पार्ट वन में लेके चला है और हम इसको एक एक चीज़ें करके क्लियर करेंगे कि पार्सिक क्या होता है वर्ष क्या होता है खगोली मात्रक क्या होता है माइक्रोन क्या होता है बड़े शॉर्ट तरीके से जितना हमको समझ में आ जाए एग्जाम में हमारा काम आ जाए उसी से संबंधित सब सारी चीज़ें लेके चलेंगे ठीक है बस आज के लिए इतना ही फिर से हम दूसरी क्लास में इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे तब तो तक के लिए धन्यवाद वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे